oh दे बच्चों आप लोगों का आदर्श की ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस के अंदर आज हम लोग कक्षा 11 की 11th एग्रीकल्चर को शुरू करने वाले हैं और हम बात करेंगे सर्वप्रथम आपका जो बुक के अंदर पहला चैप्टर दिया गया है जीव विज्ञान यानी कि उसके थोड़ा परिचय के बारे में बताया गया है जीव विज्ञान क्या है कितनी शाखाएं हैं किस तरह उनको डिवाइड किया गया है वो सब हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं और जो बच्चे आप लोग नए होंगे दिमाग में चर्चा चल रही होगी आप दिमाग में विचार हो रहा होगा कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी में जाएं या फिर मेन बायोलॉजी में जाएं। देखिए बच्चों फील्ड दोनों ही बेटर है कोई कंपेरिजन नहीं है क्योंकि एक बात याद रखना आप गवर्नमेंट ने अगर दो फील्ड बनाई है तो दोनों आप लोगों को पता है कि आपके लिए बेस्ट होने वाली है आपको ये तय करना है कि कौन सी फील्ड में आप बेस्ट हो ये ना हो कि दो सब्जेक्ट को कंपेयर करो कि कौन सा सब्जेक्ट बेटर है सब्जेक्ट अपनी जगह सारे ही बेटर होते हैं ये डिपेंड करता है आपकी सोच क्या है किस में आप बढ़िया खुद को परफॉर्म कर सकते हो तो उसी सब्जेक्ट की ओर आप लोग जाइए क्योंकि मैं अब कोई कंपैरिजन नहीं करने वाला क्योंकि मेरी नजर में जितने भी सब्जेक्ट हैं आर्ट्स से लेकर के साइंस मैथ बायो तक सारे एक समान हैं हर फील्ड में एक ना एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो मेघावी होता है और खुद को वहां जाके प्रूफ करता है और आप लोगों के सामने आज हर एक फील्ड का एक एक एग्जाम्पल मौजूद है तो आप लोगों को अब साबित करना है खुद को तराशना है कि आप कौन से फील्ड में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आप एजी लेकर के वहां पर खुद को साबित कर सकते हो तो वो लीजिए अगर आपको लगता है बायोलॉजी में आप खुद को ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हो साबित कर सकते हो तो आप वहां जाइए अगर आपको लगता है कि आप मैथ में कॉमर्स में आर्ट्स में जाकर के खुद को सही साबित कर सकते हो या ख़ुद को परफॉर्म करवाने के काबिल वहां पर समझते हो तो आप उन फैकल्टीज़ को वहां पर ज्वाइन कर सकते हो ये आपका डिसीजन है जो भी फैकल्टी आपको बेटर लगे आप वहाँ आइए हम वहां पर तैयार खड़े हैं आप लोगों की समस्याओं का निवारण करने के लिए और उसी कड़ी के अंदर आज हम लोग एग्रीकल्चर बायोलॉजी एलेवंथ का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है व्हाट इज द बायो बायोलॉजी है क्या टाइप्स ऑफ बायोलॉजी कितने हैं वो सब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं तो सबसे पहले जीव विज्ञान क्या है इसकी परिभाषा क्या है उसको थोड़ा जान लेते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के विकास उद्भव यानी कि जन्म विकास उनकी संरचना और समस्त जैविक प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं ठीक है ध्यान देना जीव विज्ञान शब्द जीव से लिया गया है और जीव की विकास संरचना कार्य प्रणाली उनके जितने भी संगठन है ना उन सभी की स्टडीज कहां करते हैं जो बायोलॉजी की आपकी शाखा है वहां पर हम उसकी स्टडी करते हैं ठीक है बायो में हम उसको स्टडी करते हैं अब जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं अलग अलग शाखाएं यहाँ पर आपके सामने दिख रही हैं जो जीव विज्ञान के लिए बनाई गई हैं जिसमें हम क्या है कि एक जीव विज्ञान मेन शाखा हो गई जिसके अंदर अलग अलग उसकी ब्रांचेस बनी हुई हैं जहां पर अलग अलग कार्यों को हम स्टडी करते हैं उनके बारे में जानते हैं सबसे पहले जंतु विज्ञान ठीक है ध्यान देना इस चीज के ऊपर जुलो जिसे हम कहते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल जंतुओं के बारे में पढ़ा जाता है एकदम इजी डेफिनेशन से एक नंबर का यहाँ से क्वेश्चन जरूर निकल करके आएगा आपका फर्स्ट चैप्टर है काफी आसान चैप्टर है ये जो चैप्टर है ना तकरीबन दो तीन नंबर का और आप ये समझ लीजिए फ्री के से नंबर होंगे आपके लिए अगर आप ढंग से इनको पढ़ लेते हो समझ लेते हो तो जंतु विज्ञान क्या है जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें केवल जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको जंतु विज्ञान कहते हैं उसी तरह से दूसरी शाखा है वनस्पति विज्ञान बॉटनी

अध्ययन किया जाता है क्या किया जाता है जीव विज्ञान की इस शाखा में किसी जीव के बाह्य संरचना और उसके आकार का अध्ययन किया जाता है इसको पढ़ा जाता है फिर आता है शरीर रचना विज्ञान नाम से इनके अलग अलग डेफिनेशन हैं और आपको अगर पूछा जाए तो आप आसानी से लिख सकते हो शरीर रचना विज्ञान में जंतु विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत जीवों की इंटरनल स्ट्रक्चर का क्या किया जाता है अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं शरीर रचना विज्ञानी शरीर की रचना किस तरह की है अब आप सब लोगों को पता है कि हमको पता है कि ह्यूमंस के जो बोन्स होते हैं वो 206 हैं सब लोग जानते हो ह्यूमन बोन्स कितने हैं बच्चों 206 ये किस तरह से पता चला जब किसी ने इसकी स्टडी की तभी तो पता चला ना और स्टडी ये थोड़ी है कि आ, आप एक जीव को लेकर के उसको काट करके उनके अलग-अलग बोन्स को निकाल करके गिनोगे नहीं इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता है कि आप इंटरनल स्ट्रक्चर को वहां देख सको आप जान सको किस जीव के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है तो ह्यूमन बोन्स कितने हैं बच्चों टू -जीरो -सिक्स है ये सब आप ध्यान में रखना इसके बाद में ओती की ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में ओती की क्या है ये आपको एग्जाम में पूछा गया था औति की क्या है तो ध्यान देना इसमें जीवों के विभिन्न उत्तकों की संरचना का अध्ययन किया जाता है बच्चों सब लोग जानते हो कि जो मानव की मानव की क्या है इकाई मूल इकाई क्या है कोशिका है मानव की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई क्या है टेंथ में पढ़ के आए हो और जो आदर्श के स्टूडेंट है वो सब जानते हो प्रताप जी सर से सब ने अच्छी तरह समझाया होगा मानव की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है कोशिका है और जब सारी कोशिकाएं एक जगह एकत्रित एक हो जाती है तो वो उत्तर का निर्माण करती है और उस उत्तक का अध्ययन विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसको हम ओतीकी कहते हैं याद रखना इस चीज को उत्तक का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाए उसे हम क्या कहेंगे ओतीकी कहेंगे और आप सब लोग जानते हो उत्तक आपस में मिलकर के अंग का अंग से अंग तंत्र का अंग तंत्र से पूरे ह्यूमन स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है वहां पर उसका निर्माण होता है अब आगे देखिए कोशिका विज्ञान क्या है सिंपल सी चीज है इसमें जीवों की कोशिकाओं और उनकी संरचना का अध्ययन किया जाता है अब आप जानते हो आपने टेंथ में भी पढ़ा होगा इलेवंथ के अंदर भी पढ़ोगे जो सेल्स होती है उसकी तीन लेयर्स होती हैं ठीक है उन तीनों लेयर को मैं आपको सेकंड चैप्टर में क्लियर करने वाला हूं आप लोगों ने टेंथ में भी उसके बारे में पढ़ा होगा और इसके अध्ययन तकरीबन कोशिका विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है कोशिका की बाई संरचना में कोशिका कला हो गई कोशिका का केंद्रक हो गया कोशिका द्रव्य हो गया इन तीनों के बारे में हम लोग आपने टेंथ भी पढ़ा और आगे भी इसके बारे में चर्चा करेंगे अनुमान सीखी, लगभग चीजें देख के आप समझ रहे होंगे कि सर हम पढ़ के आए हैं परंतु यहाँ पर थोड़ा और विस्तार से वर्णन किया गया है इसके अंतर्गत जीवों में लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है यहां पर हमारे सर ग्रेगर जॉन मेंडल सब लोग जानते हो मटर के पौधों पर प्रयोग करके उन्होंने अनुवांशिकता के नियम निकाले थे याद होंगे आप लोगों को प्रतक्रण का नियम प्रभाविता का नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम तो जो मेंडल के नियम है वो अनुवांशिकता के ऊपर ही आधारित है और ये जो नियम थे वो ये साफ स्पष्ट करते हैं कि जीव के जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं चेकर बोर्ड बना करके आप सब लोगों को टेंथ के अंदर भी क्लियर किया था और आज हम यहां पर भी पढ़ेंगे मगर आगे वाले चैप्टर में आएगा इस चैप्टर में केवल इनका इनकी डेफिनेशन ही दी गई है फिर आता है कार्य की इस शाखा के अंतर्गत शरीर की संचलित सभी जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है आप सब लोग जानते हो जो ह्यूमन शरीर का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो सारा का सारा इस कार्य की, की जो शाखा है इसके अंदर इस अध्ययन किया जाता है यहां पर हमें पढ़ लेते हैं इसके बाद में दसवें नंबर पर आपके आती है भ्रूणी की तो ध्यान देना ब्रोनी की शब्द जो भ्रूण है उससे बना हुआ है इस शाखा में युग्मक निर्माण से युग्मक निर्माण व निशेचन के बाद युग्मनज से भ्रूण के विकास तक को देखिए मानव में लिंग निर्धारण की क्रिया और उसके पश्चात जीव के जो स्ट्रक्चर होता है जो मानव के जो पेट या जो मादाओं के शरीर में जो भ्रूण का निर्माण होता है उनमें कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं वो सारी की सारी हम कहां पढ़ते हैं भ्रूणिकी में किस तरह से निषेचन की क्रिया होती है किस तरह अंडे निषेचित होते हैं अंडे से युग्मक का निर्माण होता है युग्मक से युग्मनज बनता है और युग्मनज किस तरह से अपना परिवर्तन करके भ्रूण में बदल जाता है वो सारा का सारा आप भ्रोणिकी में पढ़ते हो नंबर ग्यारह पे आता है वर्गी ध्यान देना इसके अंतर्गत जीवों का सामान्यता समानता एवं विषमता के आधार पर वर्गीकरण एवं इसके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है तो आप लोगों ने आर एच विहिटेकर के बारे में सुना होगा विहिटेकर ने क्या किया था पंच जगत प्रणाली उसके बाद में कार्ल वूज आए कार्ल वूज ने सिक्स जगत प्रणाली छह जगत प्रणाली तो ये लोगों ने क्या किया था अपने इन्होंने जीवों को वर्गीकृत करके अलग अलग संघों में अलग अलग वर्गों में डिवाइड कर दिया था सब लोग पढ़ के आए हो अलग अलग वर्ग इन्होंने बनाए थे और वर्गीकरण का जो कार्य है वो इसी विज्ञान की शाखा जाता है पारिस्थिति के अंतर्गत इस शाखा में जीवों और वातावरण के बीच जो अंतर संबंध होते हैं यानी कि जीव और जो उसके आसपास का पर्यावरण है उन दोनों में किस तरह के संबंध पाए जाते हैं उनका आपस में किस तरह से क्या है निराकरण होता है वो सब हम लोग पारिस्थिति के अंदर स्टडी करते हैं पढ़ते हैं उद्विकास उद्विकास में क्या है इस शाखा में हम जीवन के उद्भव के पश्चात वे परिवर्तनों एवं विकास का अध्ययन करते हैं यानी कि जब मानव ने जन्म ले लिया और जन्म लेने के बाद उसका शरीर किस तरह से डेवलप हुआ मानव का शरीर किस तरह से परिवर्तित हुआ वो सारा का सारा जो स्टडी जो मेटेरियल है वो आपको उद्विकास की शाखा में मिलता है फिर कीट विज्ञान इसमें हम कीटों का अध्ययन करते हैं जीवाश्म विज्ञान इसमें हम जीवों के जीवाश्मों का रोग विज्ञान रोगों के अंदर लगने वाले रोग उनके कारण उनके कारक लक्षण उनके नियंत्रणों को हम स्टडी करते हैं फिर परजीवी विज्ञान इस शाखा में विभिन्न प्रकार के परजीवियों का अध्ययन किया जाता है मत्स्य विज्ञान इसमें मत्स्य वर्ग के प्राणियों का अध्ययन किया जाता है केवल छोटी छोटी लाइनें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है एक नंबर का क्वेश्चन निकल करके आएगा कहीं से भी आ सकता है सूत्रकर्मी इसमें हम सूत्रकर्मियों का अध्ययन करते हैं जैव प्रौद्योगिकी यह इंपॉर्टेंट है इस शाखा में सूक्ष्म जीवों एवं प्रौद्योगिकी का मानव जीवन के उपयोग के बारे में हम स्टडी करते हैं कि जो जैव प्रौद्योगिकी जो बायोटेक्नोलॉजी है वो बायोटेक्नोलॉजी ह्यूमंस के ऊपर किस तरह अपना इंपैक्ट डालती है मानव को वो किस तरह प्रभावी करती है वो सारा का सारा हमें जैव प्रौद्योगिकी के अंदर स्टडी करते हैं तो इस तरह से ये अलग अलग बायोलॉजी की शाखाएं बनी हुई हैं जिसमें जो आखिरी है वो है जेव भूगोल ध्यान देना इसके ऊपर ठीक है इसमें हम भूमंडल के विभिन्न भाग जैसे जल थल आदि में जीवों के वितरण और उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं आप सब लोग जानते हो जेवमंडल जेव मंडल के बारे में सुना होगा पढ़ा होगा वहां पर अलग अलग जीव बंटे हुए हैं स्थल के ऊपर जीव अलग रहते हैं जल में अलग रहते हैं रेगिस्तान के जीव अलग होते हैं तो इन सभी की जब अगर हम इनको चर्चा करनी है हमें तो वो कहाँ करेंगे जीव भूगोल के अंदर करें जीवों का भूगोल भूगोल ज्योग्राफी जानते हो किस तरह की स्ट्रक्चर है किस तरह से भागों में वो बंटे होते हैं अब अध्ययन क्षेत्र जीव विज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित क्षेत्रों में आवश्यक है जो बायोलॉजी है उसका अध्ययन हम किन किन क्षेत्रों में कर सकते हैं वो देखिए भोजन तथा जीव विज्ञान समझने वाली चीज़ है इसको ध्यान से समझना ठीक है मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ ये जो चैप्टर है है तो छोटा पर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और आप लोग सब जानते हो कि क्वेश्चन कहीं से भी आए आपके लिए वो चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है ये नहीं देखना कि छोटा चैप्टर तो हम पढ़ेंगे नहीं ठीक है जीव के से इस बात का ज्ञान होता है कि भोज्य पदार्थ जैसे मांस मछली अंडे दूध शहद तेल चर्बी अन्न दाल आदि किन जीवों से मिलते हैं तथा इनका अधिक मात्रा में उत्पादन किस प्रकार किया जा सकता है अब आप सब लोग अगर ये पता करना चाहो कि मानव जो चीज़ों का बक्षण करता है जिन चीज़ों को खाता है वो आपको सर्वाधिक कहाँ से मिलेंगे तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप भोजन और जीव विज्ञान के मध्य का जो रिलेशन है ना उसको समझो आप ये जानो कि किस तरह से आप ये पता लगा सकते हो कि कौन से जीव से आपको कौन सी उपयोगी सामग्री मिल सकती है कहाँ से आपको इम्पोर्टेंट जो आवश्यक उत्पाद होते वो मिल सकते हैं तो दूध शायद तेल चर्बी अन्न दाल आदि किन जीवों से मिलते हैं इनका अधिक मात्रा में उत्पादन किस प्रकार किया जा सकता है उदाहरण के लिए दूध एक संतुलित पूर्ण आहार है जिसका अध्ययन जीव विज्ञान की पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान शाखाओं के अंतर्गत हमें करते हैं किस प्रकार जंतुओं से पशुओं के नस्ल को ठीक करके अच्छे पशु उत्पन्न किए जा सकते हैं और जिससे अधिक मात्रा में पौष्टिक दूध तथा मांस का उत्पादन किया जा सके अब ये जो एग्रीकल्चर जो आपका फील्ड है इस फील्ड में आप लोग जो ह्यूमंस को सर्वाधिक इफेक्ट करती हैं उन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हो आप सब लोग जानते हो कि जो दूध है वो हमारी डेली रूटीन लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल कर जो कितना अपना अहम किरदार निभाता है कितना अपना इम्पोर्टेंट रोल रखता है बिना दूध के आपकी दिन की शुरुआत नहीं होती और ये दूध का उत्पादन हम किस तरह करते हैं इसकी गुणवत्ता को किस तरह बढ़ाते हैं किस तरह से और इम्प्रूव कर सकते हैं और ये जो यहाँ पर दूध उत्पादन का क्षेत्र है वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स भी बहुत हैं ये आप समझ करके चलो और वहाँ पर सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको एग्रीकल्चर फील्ड में आना ही पड़ेगा अगर आप लोगों ने बायोलॉजी लोग ली तो वहाँ पर आप ये नहीं है कि आप वहाँ जाकर के भी अप्लाई कर सकते हो नहीं आप उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठोगे वहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते इसलिए आपको एग्रीकल्चर फील्ड में आना पड़ेगा स्वास्थ्य और रोग का भी जीव विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो यहां में बताऊँगा यहाँ पर मैं केवल आपको इसका थोड़ा बहुत परिचय ही दे रहा हूँ कि जीव विज्ञान जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी है वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और आज किस तरह से ये मेन बायो से भिन्न है तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक जीव विज्ञान की अलग अलग शाखाओं के बारे में चर्चा की जीव विज्ञान की परिभाषा क्या थी वो सब हमने जाना ये आपका पहला चैप्टर जीव विज्ञान बायोलॉजी ही चल रहा है जहाँ पर इसकी हमने अलग अलग शाखाएं देख ली हैं आप सब लोग जानते हो एक बार थोड़ा मैं इसका रिकेप कर देता हूँ जीव विज्ञान वाला चैप्टर था जिसमें आपको कुल ये अलग अलग शाखाएं दी गई हैं जिनके बारे में हमने जाना कि जिनके तहत हम क्या करते हैं कि जीवों के जो अध्ययन है जीवों को प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं वो सारी सारी इसके अंतर्गत आपके रखी जाती है फिर अध्ययन क्षेत्र जान लेंगे अध्ययन क्षेत्र यहाँ पर आपको दो तीन दिए हुए हैं चार है सॉरी ठीक है ये चार अध्ययन क्षेत्र के बाद में कृषि के अंदर इनका महत्व हम लोग समझने वाले हैं तो ये जो चैप्टर है ये यहाँ से शुरुआत हो रही है आपकी एग्रीकल्चर बायो की और यहाँ से आप लोग ये पहली स्टेप है जहाँ पर आप रख पाओ रख करके आगे बढ़ोगे तो इसीलिए इस चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है छोटी छोटी चीज़ें लग तो रही हैं पर यहीं है। से इस चैप्टर की यानी कि इस बुक की इस फील्ड की शुरुआत हो रही है तो आपको चीज़ें बहुत ही बारीकी से समझनी पड़ेंगी चीज़ों को बारीकी से देखना पड़ेगा और आप लोग नए हो बच्चों आप टेंथ क्लियर करके आए हो आपके मन में भी खूब सारे सवाल रहते होंगे कि हमें क्या करना चाहिए किन चीज़ों के ऊपर जाना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और ये सारी के सारे सवाल आपके मन में चलते हैं और आप सोचते हो कि हमें करना क्या है ठीक है आपके मन में ये सवाल रहता ही है बच्चों कि हमें क्या करना चाहिए आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो कौन सा होना चाहिए तो मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ बच्चों जिस चीज़ में आपकी ज़्यादा रुचि रहे जो चीज़ आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए सूटेबल है मैं यहाँ पर अच्छी तरह से स्टडी कर सकता हूँ उसी चीज़ उसी सब्जेक्ट की ओर जाइए ये ना हो कि गार्जन ने कुछ बोल दिया और बच्चा कुछ और लेना चाहता होता और आप वहाँ पर आ गए तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं ना वहाँ पर आप लोग सही ढंग से पढ़ नहीं पाते हो और इसलिए आपको ज़रूरी क्या है कि आप चीज़ों को समझो आप एक करके जानो कि हाँ और आप डिसाइड कर सको कि मेरे को करना क्या है आप अगर एग्रीकल्चर बायोलॉजी की फील्ड में आना चाहते हो तो आपका स्वागत है क्योंकि ये जो बायो है यहां से आपको बहुत से ऐसे अवसर मिलते हैं अलग अलग भर्तियों में बैठने के जहाँ पर आप कंपटीशन को फाइट कर सकते हो तो सबसे बड़ा रीजन है जो मेरे को भी खूब पसंद आता है जो वो क्या है कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी अगर आप लेते हो और आप ट्वेल्थ कर लेते हो तो आप उससे बायोलॉजी की जो नौकरियां होती हैं वहां पर भी अप्लाई कर सकते हो और एग्रीकल्चर की होती है वहां पर भी अप्लाई कर सकते हो केवल आप जो एम्स की जो पीएमटी की जो लाइनें होती है वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते और जो एम्स और पीएमटी करना चाहता है वो बच्चा तो यहाँ पर देखो आएगा भी नहीं और जो बच्चा केवल गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहा है उसके लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन रहेगा वो इसी ए का रहता है एग्रीकल्चर का रहता है क्योंकि वो बायो वाले कॉम्पिटिशन में भी बैठ सकता है वहाँ पर भी फाइट कर सकता है जो लेब असिस्टेंट की लेब टेक्नीशियन की जो भर्तियाँ आती है वहाँ पर भी और जो एग्रीकल्चर की खुद की बनी हुई होती हैं भर्तियाँ है, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू निकाली जाती हैं वहाँ पर केवल एग्रीकल्चर वाला बच्चा ही बैठ सकता है वहाँ पर बायो वाले बच्चों को अनुमति नहीं मिलती इसीलिए आपको ज़रूरी है कि आप आने वाले समय की जो मांग है उसको समझो आप जानो कि किस फील्ड में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है और किस चीज़ में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रख के आगे बढ़ना है और आपकी चीज़ें समझ में आए आप समझ सको तो बच्चों ये था आपका एग्रीकल्चर बायोलॉजी वाला चैप्टर जहाँ से हमने इस बुक की शुरुआत कर दी है इसी तरह इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे चीज़ों को और आगे समझते जाएंगे मन में अगर कोई सवाल रहता है अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन बना हुआ है वहाँ आप अपने सवाल जो भी मन में उठ रहे हैं वो लिख दीजिए अगर आप इस वीडियो को हमारे आदर्श के ऐप के ऊपर देख रहे हो तो ऊपर डाउट सेक्शन बना हुआ है उस डाउट सेक्शन में जाइए अपने जो भी मन में सवाल हों उनको लिख दीजिए मन में जो भी आपके प्रश्न उठते हैं कुछ भी मुझसे जानना चाहते हो हमारे एग्रीकल्चर के टीचर है भवानी शंकर जी आप उनसे भी संपर्क कर सकते हो एस पी सर जो हमें एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं आप उनसे भी संपर्क कर सकते हो और मैं विशाल महर्सी आपको एग्रीकल्चर बायो पढ़ाता हूँ तो आप मुझसे भी संपर्क करके अपने जो भी मन में सवाल हों वो पूछ सकते हो कोई समस्या नहीं आपको जल्द से जल्द उसका निवारण करके दिया जाएगा तो ये बच्चों हम लोगों ने शुरुआत कर दी है इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर्स को पढ़ते जाएंगे अगर आपके मन में सवाल आता है तो ज़रूर पूछिए हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय